ग्रामर में सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स को हिंदी में कहा जाता है वाक्य विन्यास या वाक्य रचना। इंग्लिश ग्रामर में सिंटेक्स टर्म रेफर करता है सेंटेंस में वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेज के प्रॉपर अरेंजमेंट को, ताकि सेंटेंस सुंदर और मीनिंगफुल साउंड करे। तो चलो इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। बट बिफोर देन, एज यूजुअल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो, माई नेम इज सुब्रश्मि गोस्वामी एंड वेलकम टू माई चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस की रचना यानी वाक्य रचना एक अहम पार्ट होता है। सेंटेंस का सुंदर साउंड करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसका मीनिंगफुल होना और सबके लिए समझ आना भी आवश्यक होता है। तो सिंटेक्स हमें इसी चीज़ का नॉलेज देता है। सिंटेक्स अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं, जैसे रूल नंबर 1, इम्पेरेटिव सेंटेंस को छोड़कर अन्य सभी सेंटेंस में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग हैविली, ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्विच ऑफ द फैन, ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें सिर्फ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं रूल नंबर 2 में। एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट को फर्स्ट में और वर्ब को सेकेंड में रखा जाना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड करना है तो ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखा जाना चाहिए, तभी सेंटेंस मीनिंगफुल सीम करता है। लेकिन एक्सेप्शनल में अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो फिर वर्ब को पहले रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल स्टार्ट्स इन हाफ एन आर, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड में, डज द स्कूल स्टार्ट्स इन हाफ एन आर, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ डज यानी कि सपोर्टिंग वर्ब को पहले रखा गया है। अब रूल नंबर 3, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों ही डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसलिए इन दोनों को उन शब्दों के पहले रखा जाना चाहिए जिन्हें ये डिस्क्राइब करती है। जैसे शी वोर अ रेड साड़ी इन द वेडिंग, इस सेंटेंस में रेड डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो साड़ी को डिस्क्राइब कर रही है, इसलिए इसे इसके पहले रखा गया है। नाउ आई होप कि अब आपको सिंटेक्स थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है, राइट? वैसे सिंटेक्स चैप्टर अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके और भी रूल्स हैं जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। सो लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।